विद्यार्थी मित्रों धोरण 9 માં વિષય હિન્દી માં આપણે પહેલા પદ્યનો અભ્યાસ કરીશું જેનું નામ છે આરાધના। આરાધના એટલે પ્રાર્થના નિવેદન પૂજા। તો સૌપ્રથમ આપણે એમના કવિ વિશે જાણકારી મેળવી લઈએ જેમના કવિ છે વસંત બાપટ। વસંત બાપટ મહારાષ્ટ્ર કે કહાં સે થે વો महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। पुणे उनकी कर्म भूमि थी। वो व्यवसाय से प्राध्यापक भी रह चुके थे। उन्होंने राष्ट्र सेवा दल में भी उन्होंने सेवा बजाई है। ज्यादातर उन्होंने मराठी एवं हिंदी में साहित्य की रचना की है। उनकी रचनाओं में ज्यादातर राष्ट्र प्रेम, माननीय संवेदनाएं, समाज जागरण जैसा भाव प्रकट हुआ है। तो ऐसी अनेक रचनाएं हैं जैसे कि आराधना, दिशा, सकीरा, बिजली, उनमें से हम आराधना का अभ्यास करेंगे। आराधना काव्य परिचय सौ प्रथम मेळवी लीधो। तो आ कविता द्वारा कवि शू कहवा मांगे छे? कवि बताना चाहते हैं कि आराधना मतलब प्रार्थना। निवेदन, तो कवि बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जो दुखी लोग हैं, उनका दुख, उनकी पीड़ा दूर होना चाहिए। सभी लोग दूसरों की पीड़ा का अनुभव करें और हमारे देश में जो भेदभाव है, ये भेदभावों से हमें मुक्त होकर एकता में जीना है। विश्व बंधुत्व की भावना विकसानी है। इसीलिए कवि बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर मनुष्यता का भाव हो, सभी लोग प्रेम से बर्ताव करें और हमारे बीच जो स्वार्थ है वो स्वार्थ को दूर रखकर हमें प्रेम से बर्ताव करना है। यही कवि संदेश देना चाहते है। तो चलो हम इसका अभ्यास करेंगे। तो पहले मैं इस कविता का पठन करती हूँ। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुष की साधना। कवि क्या चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह, देह मतलब क्या होता है? शरीर, शरीर। देह मंदिर चित्त मंदिर, चित्त एटले मन, शरीर रूपी मंदिर और मन से हमें एक ही प्रार्थना करनी है। वो कैसी प्रार्थना है? कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य, सच्चाई, सुंदर, सुंदर, मांगल्य एटले कि कल्याण, कल्याण की नित्य रोज रोज हो आराधना। कवि चाहते हैं कि रोज कैसी आराधना हो, प्रार्थना हो। तो कवि कहना चाहते हैं कि हमें इस शरीर से और मन से एक ही प्रार्थना करनी है कि लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, लोगों के मन में सुंदर विचार आए, और सभी एक दूसरे का कल्याण, सबका मंगल हो, ऐसा भाव हो सबके भीतर, ऐसा भाव, ऐसी प्रार्थना कवि चाहते हैं। कवि बताना चाहते हैं कि सभी लोग सच्चाई का मार्ग पसंद करें,
सभी के अंदर सुंदर विचार हो और सभी लोग सबका कल्याण हो ऐसी प्रार्थना करें। एक कवि बताना चाहते हैं, तो चलो आपने गुजराती में जोइए। कवि एकज प्रार्थना करवा मांगे छे, कई एकज प्रार्थना करवा मांगे छे, तो शरीर अने मन थी एक प्रार्थना करवा मांगे छे। केवी प्रार्थना? तो के लोगो साचो मार्ग पसंद करे, साचो मार्ग पसंद करे, साथे साथे एना मन में सुंदर सारा विचारो आवे अने सौनु कल्याण थाय, सौनु मंगल थाय एवो भाव प्रगट करे छे कवि अने प्रार्थना करवानु कहे छे। तो आप पहली बे पंक्तियों में एक प्रश्न बने छे कि कवि कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि ऐसी आराधना चाहते हैं कि सब सब सत्य सुंदर मांगल्य की प्रार्थना करे। एना पछीनी त्रण पंक्तियों, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों की रक्षणा तो पुरुष की साधना। क्या कहते हैं कवि इस पंक्तियों में कि दुखियारों का दुख जाए, जो दुखी है हमारे देश में उनका दुख दूर हो जाए, वो दुख से छुटकारा प्राप्त करे, यही मनोकामना है। इना मननी एकज इच्छा छे कि आपड़ा देश में जेटला पण दुखी लोगो छे, जे दुखथी पण पीड़ाय छे, ए दुखमांथी ए मुक्त थाय, छुटकारो प्राप्त करे। के वेदना को परखवाने जगाए संवेदना, वेदना को परख पाने, वेदना એટલે કે પીડા કો પરખ પાને, પરખ એટલે કે પહેચાનના, પહેચાનના, પહેચાનના જગાએ સંવેદના, સંવેદના એટલે અનુભૂતિ, સહાનુભૂતિ। दूसरों की પીડા કા ભી તો હમે અનુભવ હોના ચાહીએ, સંવેદના હોની ચાહીએ, તો दूसरों का दुख, दूसरों की પીડા दूर हो जाए ऐसी हमारे भीतर अनुभूति होनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं, दुर्बलों की रक्षणा पुरुष की साधना। दुर्बलों मतलब के कमजोर, जो कमजोर है, अशक्त है, जितने भी लोग अशक्त है उनकी रक्षा के लिए, रक्षणा मतलब के रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए हमें उनसे एक उपासना करनी है, साधना करनी है। कैसी साधना? पुरुष की, पुरुष की मतलब शक्ति, उनको शक्ति मिले, वो साहसवान बने, ऐसी हमें उपासना करनी है। इस तीनों पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं कि दुखियारों का दुख दूर हो जाए, ऐसी हमें मन से प्रार्थना करनी है सभी सभी को, और दूसरों की जो भी वेदना है, पीड़ा है, इस पीड़ा का हमें अनुभव होना चाहिए, और जो भी हमारे देश में कमजोर लोग है, अशक्त लोग है, उनकी रक्षा के लिए उनको हमें साहसवान शक्तिवान बनाना है, ऐसी हमें उपासना करनी है। तो चलो इन गुजराती में जो ये शू कहे छे कवि कि आपड़ा देश में जेटला पण गरीब लोग छे एना दुख दूर थाय या पण मन थी प्रार्थना करवानी छे, जे पण बीजा लोको छे एनी पीड़ा एनी वेदना नो आपणे अनुभव थवो जोईए। शुं कहे छे आगळ? जेटला पण कमजोर लोको छे, अशक्त लोको छे, एनी रक्षा माटे एने साहस मळे, एने शक्ति मळे, ए माटे आपणे उपासना करवानी छे, साधना करवानी छे, एवुं कवि कहेवा मांगे छे। त्यार पछीनी पंक्तिओ, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों के एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो इन तीन पंक्तियों में क्या कवि कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में, हमारे जीवन में क्या हो, नव तेज, नया प्रकाश, जीवन में नव तेज हो, नव तेज એટલે કે नया तेज,
नया प्रकाश, अंतरंग में हृदय में ऐसी भावना होनी चाहिए। कवि बताना चाहते हैं हमारे जीवन में, सभी के जीवन में नया तेज मिले, नया प्रकाश मिले, इसी हमें हृदय से इसी हमें प्रार्थना करनी है। सुंदरता की आस हो, आस मतलब आशा, सभी लोग सुंदर आशाएं रखे। मानवता की हो उपासना और मानवता का भाव, मनुष्यता का भाव, सभी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। सभी प्रेम से वर्ताव करें, एक दूसरे के साथ द्वेष न रखे, सभी मित्रता से वर्ताव करें। यही उपासना, यही प्रार्थना कवि करते हैं। और क्या कवि बताना चाहते हैं? शूर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शूर्य एटले शूरवीर बने, बहादुर बने, बहादुर बने। धैर्य पावे, धैर्य एटले के धीरज, धीरजवान बने। सभी लोग शूरवीर बने, बहादुर बने, धैर्य पावे, धीरजवान बने, यही है अभ्यर्थना, यही प्रार्थना कवि करते हैं। तो इन तीनों पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि बताना चाहते हैं कि जीवन में, सभी के जीवन में नया प्रकाश प्राप्त हो, ऐसी हृदय से भावना प्रकट करनी है। सुंदरता की आशो, लोगों के मन में सुंदर सुंदर विचारों आए, सुंदर सुंदर आशाएं जगाए, और मानवता की उपासना हमें करनी है। सभी लोग शूरवीर बने, बहादुर बने, और सभी लोग धीरजवान बने, ऐसी हमें प्रार्थना करनी है। तो चालू है गुजराती में जोइए। बधाईना जीवन में नवू जीवन प्राप्त थाय, एवी आपणे आपणा हृदयथी प्रार्थना करवानी छे। अने लोकोना मनमां जे विचारो छे ए सुंदर सारा होवा जोईए, अने जे एनी आशाओ छे ए पण सारी होवी जोईए, अने बधाईनी अंदर मनुष्यतानो भाव, मानवतानो भाव होवो जोईए, एवी प्रार्थना करे छे कवि। શું કહે છે? બધાયને બહાદુર બનવાનું કહે છે, ધીરજવાન બનવાનું કહે છે, એ જ કવિની પ્રાર્થના છે। એન ત્યાર પછીની પંક્તિઓ, ભેદ સભી અસ્ત હોવે વેર ઓર વાસના, માનવો કી એકતા કી પૂર્ણ હો કલ્પના, મુક્ત હમ ચાહે એક હી બંધુતા કી કામના। ઇન તીનો પંક્તિઓ મે કવિ ક્યા કહેના ચાહતે હૈ? કવિ બતાના ચાહતે હૈ કી ભેદ સભી હમારે દેશ મે जो भेद है, मनुष्य के बीच जो भेदभाव है, जो वो सभी भेदभावों से मुक्ति मिले, अस्त अटले के मुक्त, सभी से मुक्ति मिले। जो हमारे देश में उच्च नीच का भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव, वर्ण भेदभाव, धर्म भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव, तो ये सभी भेदभावों से हमें मुक्त होकर एकता का भाव प्रकट कर, ऐसी हमें प्रार्थना करनी है। और वैर और वासना, वैर जो दुश्मनी है मनुष्य के बीच, जो दुश्मनी है, दुश्मनावट है, उनको दूर कर, छोड़कर हमें मित्रता का भाव रखना है। और वासना जो इच्छा है, लोगों के मन में जो बुरी इच्छाएं है, कामना है, वो बुरी इच्छाएं उनकी नष्ट हो, दुश्मनी का भाव है वो भी नष्ट हो, दूर हो, और मित्रता का भाव अपनाना है, और अच्छी सोच अपनानी है, यही कवि बताना चाहते हैं। मानव की एकता की पूर्ण कल्पना, और जो मनुष्य के बीच एकता का भाव हमें प्रकट करना है, वो हमें लाना है, अपनाना है, सभी एकता का भाव प्रकट करें। मुक्त हम इस दुश्मनी और वासना, बुरी इच्छाएं उनको दूर कर, हमें उससे मुक्त होकर, चाहे एक ही बंधुता की कामना, हमें बंधुता की भावना विकसानी है, विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट करनी है। सभी से हमें मुक्त होकर हमें विश्व बंधुत्व की भावना विकसानी है, यही कवि कहना चाहते थे। तो चलो इन गुजराती में जोइए। हमारे अपना देश में जितना पण भेदभाव छे, दरेक भेदभाव माथी आपणे मुक्त थईने मनुष्यनी वच्चे जे भेदभाव छे, जे दुश्मनावट छे, एने आपणे दूर करवानो छे। खोटा-खोटा जे विचारो छे, ए खोटा विचारोने पण दूर करी, आपणे मित्रतानो भाव राखीने
एक दोरना पंखी एनी जेम आपणे रहेवानुं छे, एवो जे विचार छे एक डाळना पंखी એમની જેમ રહીને આપણે વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના પ્રગટ કરવાની છે, એ જ અહીં કવિ સંદેશ આપે છે। તો ચાલો થોડાક આપણે પ્રશ્નો જોઈ લઈએ। કવિ કેસી નિત્ય આરાધના કરના ચાહતે હૈ, કવિ કેસી આરાધના ચાહતે હૈ, तो कवि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य आराधना चाहते हैं। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखियारों का दुख दूर हो जाए ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि कैसी साधना चाहते हैं? तो कवि ऐसी साधना चाहते हैं कि जो भी हमारे देश में कमजोर दुर्बल लोग हैं उनकी रक्षा के लिए हमें उसे पुरुषवान शक्तिमान बनाना है, ऐसी हमें साधना करनी। फिर कवि कैसी अभ्यर्थना चाहते हैं? तो कवि ऐसी अभ्यर्थना चाहते हैं कि लोगों के जीवन में नया प्रकाश आए, ऐसी अभ्यर्थना कवि चाहते हैं। फिर एक बड़ा प्रश्न है आपके सामने कि हमारे देश में कैसे भेदभाव है, इस भेदभाव से हमें मुक्त होकर कैसी भावना विकसानी है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे देश में न जाने कितने भेदभाव है, इस सभी भेदभाव से मुक्त होकर हमें विश्व बंधुत्व की भावना विकसानी है और एकता बनानी है। इसीलिए सभी भेदभाव से मुक्त होकर हमें स्वतंत्र जीना है, स्वार्थ को छोड़कर सबका हित सबका कल्याण हो, ऐसी हमें भावना प्रकट करनी है। समानार्थी शब्द तुमने मटेरियल में आपेला छे, विरोधी शब्द हूँ तुमने बताऊँ छू। मांगल्य मंगल तो एमनो विरोधी थाय अमंगल, एना पछीनो छे दुख तो विरोधी थाय सुख। फिर वेदना तो समानार्थी शब्द पीड़ा। पुरुष समानार्थी शब्द साहस शक्ति। फिर आगे आस समानार्थी शब्द आशा। अस्त विरोधी शब्द उदय। समानार्थी शब्द तो अहीं तमारो स्वाध्याय पूर्ण थाय छे।